सुनाती हूँ। एक था राजा, उसको दो शादी किए थे राजा, दो पत्नी थे, उनको बड़ी वाली को बच्चा नहीं होता, छोटी वाली को बच्चा होने वाला हुआ। तो जब बच्चा को होने वाला था तो राजा उसको बहुत ध्यान देते थे। एक दिन जब रानी को बच्चा होने का समय आया तो राजा शिकार खेलने के लिए निकले, तो राजा उनको रानी को राजघर गेट पर घंटी टांग दिए, बाहर गेट पर घंटी कहे जे हम जा रहे हैं शिकार खेलने, से आप कोई कुछ हो तो आप घंटी बजा दीजिएगा, हम वहाँ से आ जाएंगे। तो राजा बोले, रानी बोली ठीक है। तो रानी घर में लेटी हुई थी, राजा गए शिकार पर। जब राजा शिकार खेल रहे थे तो बड़ी रानी दुष्ट भावना हो गया, बड़ी रानी को जब हमको नहीं हुआ बच्चा, उसको हो जाएगा बच्चा, तो राजा मुझे नहीं मानेंगे और उसको ज्यादा प्यार करेंगे। तो दुष्ट भावना जो आ गया मन में, तो वो जा करके बड़ी रानी घंटी बजा, घंटी बजा दी, तो राजा वहां से शिकार छोड़ करके चला, शिकार छोड़ करके चल आए। तो रानी बोली, राजा गए रानी से पूछने, जो रानी से क्या हुआ आपको, तो डर हो रहा है। तो रानी बोली जो नहीं, तो आप घंटी क्यों बजाए। तो रानी बोली हम नहीं घंटी बजाए हैं, तो हम जानते भी नहीं हैं जो कौन घंटी बजा रहा है। तो राजा कहे अच्छा ठीक है। फिर उस दिन राजा नहीं गए शिकार करने, फिर दूसरे दिन जाने लगे। तो फिर राजा गए रानी को कहने जे देखिए कुछ दर्द उर्द हो तो आप घंटी बजा दीजिएगा, हम आ जाएंगे। तो रानी बोली ठीक है। फिर राजा गए शिकार करने, जा ही रहे थे तो रास्ते में थे, तभी बड़ी रानी आकर के घंटी बजा दी बड़ी रानी। फिर राजा रास्ते से ही घूम करके चल आए यहाँ। तो राजा जब चल आए तो फिर घर गए रानी से पूछने, रानी उसको क्या हुआ, उसको आज घंटी बजाए हैं तो दर्द हो रहा है। तो रानी बोली जो नहीं, तो मुझे नहीं दर्द हो रहा है, तो हम घंटी नहीं बजाए। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। तो राजा बोले जो कौन घंटी बजा देता है। तो रानी बोली जो नहीं, हम नहीं देखते हैं, तो हम तो घर में लेटे हुए हैं। तो रानी फिर राजा छोड़ दिया। जब तीसरा दिन जाने लगे राजा, फिर वही बात रानी को कह करके कहे या कहे कि आज जो कोई घंटी बजाएगा तो हम नहीं लौटेंगे, आप नहीं बजाते हैं, कोई दूसरा बजा देता है घंटी तो हम नहीं आएंगे। तो चल गए राजा शिकार खेलने। शिकार खेलने गए तो तब तक मैं रानी को दर्द होने लगा। रानी आई, रानी घंटी बजा रही थी, तब राजा ये नहीं करते थे, बजाते बजाते बहुत देर हो गया बजाई, तो रानी को बहुत दर्द होने लगा। तो रानी को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो रानी गई अपने बड़े सौतन से बोलने जो दीदी तो देखिए मुझे दर्द हो रहा है, तो कैसे बच्चा होगा। तो रानी बोली जे ऐसे करो तुम, जो कोठी में मूरी घुसा लो। कोठी मतलब पहले मिट्टी का कोठी बहुत बड़ा सा बनता था, उसी में नीचा से रहता था जो अनाज निकलता था, ऊपर से आदमी खाता था, वही कोठी में छोटा सा मुँह था, उसी में कहीं जो मूरी घुसा, जो बच्चा उसमें मूरी घुसाएगी इधर बच्चा होगा तब तक वो बच्चा को फेंक देंगे, ये सोच करके रानी बोली। तो वो बोली जैसा ठीक है। तो बड़ी रानी डगरिन को बुलाई। डगरिन मतलब गाँव घर में देहात में चमाइन होता है, जो बच्चा होने समय में वो बच्चा को निकालती है, नर्स टाइप की होती है। तो नर्स टाइप की होती है, तो निकाली तो कहीं जैसा ठीक है। तो डगरिन को बुलाई, डगरिन को बुला करके कही बोली मुझे देखो इसका जो बच्चा होगा ना, तो तुम जंगल में फेंक आना,
आप इसके बदला में हम तुमको देंगे अथी एक डाला सोना, एक डाला चांदी, एक डाला रुपया रुपया। तो उसे तुम किसी को ये बात नहीं बोलना जो हम अथी तुमको पैसा दिए हैं, तुम पैसा बच्चा को फेंका दिया। जगरी को बहुत अथी हुआ, जब इतना हो जाएगा हमको तो जगरी नहीं बोले। बच्चा जब हुआ कोठी में मुँह घुसाई तो बच्चा हुआ, तो बच्चा दू गो लड़का, दो लड़का हुआ तो दोनों लड़का को जगरी उठा करके जंगल में फेंका, आ ईट आ पत्थर ला करके वहाँ रख दिए, रानी के पीछे रख दिए। तो वो रानी को जब डगरी आ गई तो मुड़ी निकालने के लिए बोली बड़ी रानी, तो डगरी अति रानी मुँह निकाली, तो रानी मुड़ी निकाल के कहती है कि मेरे बच्चा कहाँ है। तो बड़ी रानी आ डगरी दोनों बोली कि बड़ी रानी बोली जे बच्चा कहाँ से आएगा, तो मनुष्य तुम हो, मनुष्य रहती तब तो मनुष्य को न जन्म देती, से मनुष्य का ही ईट पाथर जन्म देती है, तो तुम ईट पाथर को जन्म दी। डगरी बोली जे हाँ ईट पाथर हुआ, बच्चा नहीं है, बच्चा के जगह पर ईट पाथर है। वो रानी कुछ नहीं बोली, रानी रो पीट करके रख गई। तो राजा आया, तो राजा आए तो राजा को बोल, राजा को बड़ी रानी बोली देखो देखिए तो वो मनुष्य नहीं है, आदमी रहती तो बच्चा को जन्म देती, आदमी के बच्चा को जन्म देती, तो ये तो ईट पाथर का जन्म दी, ईट पाथर से जन्म दी से राक्षस। राजा क्या किए, वो छोटी रानी को एगो काल कोठी में बंद कर दिए, वहीं खाना पीना उसको भेज देते थे, लेकिन नहीं उसको रानी के पास जाते। एक दिन बड़ी रानी गई पोखर में नहाने, पोखर मतलब समझती हो तालाब टाइप का पोखर गांव घर में रखा था, तो गई नहाने उसमें। तो वो बच्चा दोनों बच्चा जो छोटा था कुम्हार गया, वो बच्चा तो फेंक आई थी तो कुम्हार गया आवा के लिए, वो पत्ता जंगल खड़ा आवा मतलब जैसे माटी का बर्तन सबको आवा लगाता है, आग लगा करके पकने के लिए। तो पत्ता जो गया ना बटोरने तो देखा वो बच्चा है जन्म अभी एक का जन्म लिया है, उसको खूब चेहो चेहो करके रो रहा था। तो बच्चा को उठा लिया कुम्हार, तब तक में आ गया एक धोबी वही पोखर में कपड़ा खींचने के लिए, भोरे धोबी भी आया। तो धोबी को भी बच्चा नहीं था, एक भी औलाद आ कुम्हार का को भी नहीं, दोनों था दोनों का बच्चा। तो धोबी भी एगो बच्चा को धोबी उठा लिया, एगो बच्चा को कुम्हार उठा लिया, तो दोनों लेकर के घर आ गए। तो दोनों पाला पोसा, तो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक कुम्हार का बच्चा बोला एक भाई जो पापा तो मुझे काठ का घोड़ा बना, काठ का घोड़ा लकड़ी का घोड़ा। वो धोबी का बच्चा वो बोला पापा मुझे पाठ का लगाम बना, पाठ का माने जिस पर धोबी कपड़ा खींचता है ना उसका लगाम, डोरी घोड़ा के बांधने के लिए डोरी बना लीजिए। तो उसमें सबका तो बच्चा नहीं था, तो खूब वो प्यार से पालता था दोनों अपना अपना बच्चा को। तो बोले पाठ का लगाम बना दिया, ये दोनों भाई पोखर में वही पोखर में जाता था और काट के घोड़ा को उसमें पानी में डुबा देता था, कहता था कि जो काठ के घोड़ा पाठ के लगाम बाबा पोखर घोड़ा पानी पी। तो इस डेली अपन खेलता था दोनों, छोट छोट बच्चा था। एक दिन रानी गई वो पोखर में नहाने बड़ी रानी, तो बड़ी रानी गई पोखर में नहाने, तो उधर से वो दोनों बच्चा आया, तो उस
उसमें फिर बोरा को पानी में डुबा दिया लगाम को पकड़ करके कहता है कि जे काठ के बोरा पाठ के लगाम बाबा को खैर घोड़ा पानी पी। तो बच्चा खेल रहा था कह करके तो रानी बोली जे रे तू कैसा अग्निमुक्त बच्चा हो से काट के घोड़ा पाट के लगाम कहीं पानी पीता है जो तुम कहता है जो पानी बाबा के पोखर है तुम्हारा बाबा का ही पोखर है। बाबा मतलब दादा जो तुम लोग कहती हो। तो बाबा उसका बाबा का पोखर था राजे का पोखर था तो तुम्हारा बाबा का ही पोखर है जो तुम कहता है तो तुम बहुत अग्निमुक्त बच्चा से काट के घोड़ा पाट के लगाम कहीं पानी पिएगा बाबा के पोखर में। तो कहती है बच्चा दोनों कहा कि जे अच्छा आप चुप रहिए मनुष्य का ही ईंट पाथर जन्म देता है कि बस रानी को टेंशन आ गया जे ई कैसे जानता है जो छोटी रानी को ईंट पाथर जन्म हुआ सो कहीं यही दोनों बच्चा होगा। तो रानी को इस बात को माने आ गया टेंशन वहाँ से पोखर से नहा करके आई नहा के आ करके क्या कि पलंग पर पलंग के अंदर पूरा खपड़ा बिछाई। खपड़ा मतलब पहले का घर में खपड़ा रहता था छत नहीं रहता था खपड़ा रहता था जैसे अभी मटकूरी को तोला का खपमती होता है ना तो पूरा बिछा ली उस पर मतलब तोशक चादर तकिया सारा लगा लगा ली। तो वहाँ वो सोई लेट गए राजा का आने का समय हुआ तो लेट के कहती है कि जे इधर घूमती थी तो कुर इधर घूमती थी तो कुर होता था इस तरफ लेती थी तो कुर इधर इस तरफ लेती थी तो कुर होता था। राजा आए राजा कहे रानी क्या हुआ रानी क्या हुआ। तो रानी कहती थी कि अब हम नहीं बचेंगे हम मर जाएंगे मुझे मरने वाला बीमारी हो गया है। तो देखिए हम इधर घूमते हैं तो कर होता है इधर घूमते हैं तो मर होता है सब हम नहीं बचेंगे। तो राजा घबरा गए राजा गए डॉक्टर को बुलाने। तो रानी बोली जो नहीं डॉक्टर का जरूरी नहीं है सो आप एक कुम्हार का बेटा है एक धोबी का बेटा है वो दोनों लड़का को मरवा करके उसका कलेजी जो हमको ला दीजिएगा भूज करके हम खाएंगे तो हमको ठीक हो जाएगा। रानी बोली जो ठीक है राजा बोले अच्छा ठीक है। तो कसाई को राजा बुलाए कसाई मतलब जो खस्सी तस्सी को नहीं मारता है मियाँ सबको मियाँ होता है जैसे कि नहीं कर तो जैसे कसाई जो खस्सी को नहीं मारता है वही खस्सी को मारने वाला तो खस्सी को तो उसी को बोले जो तुम क्या करो तुम इसको ले जाओ आ मार करके करेजी दोनों बच्चा को ला दो तुमको हम इतना पैसा दें। तो राजा वाली बात थी कसाई आया कसाई दोनों बच्चा को लेकर के चल गया मार। तो जब जंगल में ले गया बच्चा को मारने के लिए तो जंगल में जब अति मारने के लिए उठा लिया तो बच्चा दोनों बोला जो देखिए आपको हमको मारने से तो कोई फायदा नहीं होगा तो आप हमको मारिए भाई कोई जानवर को मार करके ले जाइएगा करेजी एक उनका जरूरी है तो वो तो समझ जाएंगे जो उसी बच्चा का करेजी है आपको पैसा भी मिल जाएगा हम जिंदा भी रह जाएंगे तो ऐसा कीजिए जो आप कुत्ते को मार करके करेजी ले जाइए हमको दोनों भाई को छोड़ दीजिए। तो कसाई को दया आ गया कसाई दोनों बच्चा को छोड़ दिया कुत्ता के मार के करेजी ले करके दे आया राजा को। राजा उसको भूज करके दे दिए रानी को। रानी को तो कोई बीमारी नहीं था उनका तो था जो बच्चा जिंदा रहेगा तो पता चल जाएगा राजा को तो ये बच्चा को क्यों नहीं मार दे इसीलिए रानी की थी। तो राजा को अति राजा भूज करके दिए उसको ठीक हो गया तब रानी को। तो रानी अपना रहने लगी वो बच्चा फिर अपना बात मारना बात सबके साथ ही अपना घर पर खेल रहा था।
एक दिन फिर बहु अति बाद बहुत दिन के बाद फिर रानी निकली नहाने तो फिर वो बच्चा खुशी के पास खेल रहा था कि फिर वही बात बोला राजने बच्चा जो काट के घोड़ा पाट के लगा मरा बाबा पोखर घोड़ा पानी पी रे बाबा पोखर घोड़ा पानी पी रे तो फिर रानी वही बात बोली जो दे अब मुत्तू बच्चा है तुम से तुम वही काट के घोड़ा पाट के लगाम कहीं पानी पीता है अब बाबा तुम्हारा है बाबा का तुम्हारा पोखर है जो तुम ऐसा बात बोलता है इस पोखर से तुम निकलो से मेरा पोखर तुम निकलो यहाँ से तो फिर बच्चा बोला जे हम तो निकल जाएंगे लेकिन मेरा बाबा का पोखर है आ मनुष्य कहीं जन्म देता है बच्चा को देता है कि एक बात जन्म देता है रानी को हुआ जो ठीक बच्चा को घुमाया है कोई कसाई नहीं मारा कि क्या किया तो दोनों बच्चा को लेकर के फिर रानी आ गई रानी आई घर फिर तो राजा को बोली जो देखिए राजा जब आए तो राजा को बोली जो देखिए राजा सो वो कसाई और दोनों बच्चा को नहीं मारा तो आज हम गए पोखर में नहाने तो राजा को दोनों बच्चा मेरे साथ बहुत बदतमीजी से बात पेश आया है तो हमको बहुत किया है तो आप ऐसा कीजिए जो आप उसके बाप को अति सजा दीजिए और बच्चा को सजा दीजिए तो राजा गए फिर कहे अच्छा ठीक है तो राजा बुलाए कुम्हार को और धोबी धोबी को और कुम्हार को बुलाए और बच्चों दोनों को लेकर के आया सब राजा कहे थे जो दोनों बच्चा को दोनों अपना अपना बच्चा को आएगा यहाँ तो राजा वाली बात थी तो आया दोनों तो दोनों आया तो राजा बोले जो देखो कि तुम लोग ही बच्चा को ऐसा बदतमीज क्यों तुम बना दिया है ऐसे ऐसे रानी को जवाब दिया है तो कुम्हार बोला तुमको ये बच्चा कहाँ से आया तुमको तो बच्चा नहीं था तो बच्चा तुमको कहाँ से आया जो बच्चा ऐसा बदतमीज तो बोला देखिए राजा तो हमको तो नहीं था बच्चा तो फलना थी इतने हमको जंगल में दोनों बच्चा मिला हम गए थे सवेरे आवा के लिए पत्ता बटोरने तभी बच्चा दोनों रो रहा था तो हम उठा लिए एगो वो भी जा रहा था कपड़ा खींचने तो वो बोला जो एक हम लेंगे तो मुझे भी बच्चा नहीं है तो यही दोनों बच्चा है तो हम लोग रखे हैं तो क्या किया तो हमको माफ कर दीजिए जो गलती किया बच्चा सो उसको बच्चा को नहीं मारे तो बच्चा को फिर बुलाए राजा तो कहे जो मन क्यों तुम ऐसे बदतमीजी करता है तो बच्चा बोला कि अच्छा हम बदतमीजी किए रानी से तो रानी को पूछिए आप जे रानी हम मुझे क्या हो से हम पोखर में खेल रहे थे जे काट के घोड़ा पाट के लगाम घोड़ा पानी पी रे तो हमको ऐसे ऐसे बोली जो बाबा के पोखर तुम्हारा बाबा का पोखर है तो हम कहे जब हाँ मेरा बाबा का पोखर है तो राजा बोले तुम्हारा बाबा का कैसे हुआ पोखर तो तब वो बच्चा बोला जे देखिए राजा जी से बाबा मेरा तो बाबा है ना मेरे बाबा का ही पोखर है तो आप ही सोचिए जो आदमी को कहीं ईंट पाथर बच्चा होता है तो आप थोड़ा सा अपना अथी कीजिए तब हमको आप जो सजा दीजिएगा तो हम तैयार हैं सजा भोगने के लिए सो ईंट पाथर आदमी को नहीं होता है बच्चा तो ऐसे ऐसे बड़ी रानी डगरी को एक डाला सोना एक डाला रुपया एक डाला चांदी दी आ बोली जे बच्चा को फेंक दे फेंक आ जाना तो हम दोनों भाई जन्म लिए तो हम दोनों भाई को फेंक आए डगरी और डगरी को इतना पैसा दी रानी आ तब मेरी माँ को माने
राक्षस के अथी करके काल कोठरी में बंद कर दिए मेरी माँ को। तो आप डगरिन को बुला करके पूछ लीजिए। तो फिर राजा डगरिन को बुलाए, डगरिन को बुलाए तो डगरिन से पूछे जो क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे की जो मेरे बच्चा को तुम फेंक आई और तुम यहाँ ईट पाथर रख दी। तो डगरिन बोली जो मुझे रानी बड़ी रानी बोली मुझे ऐसे करो, नहीं तो राजा मुझे नहीं प्यार करेंगे, उसी पर एकदम अति निछावर है से इनको मेरे बच्चे को तुम फेंक। तो हम बच्चा को इसीलिए फेंक आए। तो राजा डगरिन को रानी को तो काट बड़ी रानी को काट करके गाड़ दिए, डगरिन को गाँव से बाहर निकाल दिए, सजा दे करके सजा दिए बच्चा को और काल कोठरी में से छोटी कन्या को निकाल करके सब घर में एक साथ रख। मेरी नानी माँ की ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे नानी माँ के चैनल नानी की कहानियों को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।